हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर मेरे पास आपको बताने के लिए एक बहुत ज़रूरी बात है यार। बांग्लादेश MBBS के लिए जब बच्चे आते हैं तो वो एडमिशन लेते हैं कुछ इस दौरान, नवंबर से पहले पहले, है ना, ड्यूरिंग मतलब नीट जब अपना हो जाता है उसके 2-3 महीने के अंदर अंदर सब लोग एडमिशन ले लेते हैं। और यहाँ पर क्लासेस कब स्टार्ट होती हैं? बोला जाता है कि जनवरी में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन क्लासेस जनवरी में स्टार्ट नहीं होंगी बिकॉज काफ़ी सारे रीज़न है। क्योंकि यहाँ पर जो मेडिकल का एग्ज़ाम जब होगा ना, और उसके बाद में यहाँ के बच्चों को जब सीट्स अलॉट होंगी कॉलेजेस में, तो उन्हीं के साथ आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। और यहाँ का मेडिकल एग्जाम जनवरी, फरवरी या मार्च में बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो वो आप ऐसा मान के चलो कि आपकी क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, ऑलमोस्ट अप्रैल के बाद मान के चलो आप, अप्रैल, मई, जून में भी हो सकती है। हमारी कब स्टार्ट हुई थी? हमारी अगस्त में स्टार्ट हुई थी। हमारा जो सीनियर बैच था उन लोगों की स्टार्ट हुई थी अक्टूबर के अंदर। तो ये पैटर्न थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो रहा है, अक्टूबर से अगस्त, अगस्त से हो सकता है ये जुलाई तक चला जाए, जून तक चला जाए, बट उससे पहले आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं होंगी। तो अच्छा खासा टाइम बच जाता है एडमिशन लेने के बाद। इतने महीने, लगभग 6 से 7 महीने आपके फ्री रहते हैं एकदम, जिसके अंदर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। आपको इन महीनों को वेस्ट करने की बजाय कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए। बट हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्टिव कुछ कर नहीं पाते क्योंकि हमारे पास गाइडेंस नहीं होती, हमें पता नहीं होता। स्पेशली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि हमें कैसे पढ़ना है, हमें क्या करना है, कहाँ से क्या रिसोर्सेज हम यूज़ करें यार, बांग्लादेश में कैसे होता होगा, कॉलेज कैसे होते हैं, वहाँ एग्जाम्स कैसे कंडक्ट होते हैं, हम अपने आप को बांग्लादेश में पढ़ने के लिए, MBBS करने के लिए प्रिपेयर कैसे करें। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को ये क्वेरीज रिपीटेडली बार बार मैसेजेस में और बार बार मुझे ये पूछते रहे। और जब मैं खुद घर पे था तब मेरी भी यही क्वेरी थी कि यार करूं क्या आखिर को, ये तो बताए मेरे को। तो अब इसका सोल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सोल्यूशन ये है, चूंकि मैं पढ़ाता हूँ, मेरा अगर आप YouTube चैनल देखोगे तो मैंने ऑलमोस्ट 240 समथिंग, उससे ज़्यादा मैंने एजुकेशनल वीडियोस ही बनाए हैं, जिसके अंदर मैंने मोस्टली नीट का कंटेंट और उसके अलावा मैंने मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी विच आर द सब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट ईयर हेयर, वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। तो मैं अब इस आइडिया के साथ आपके सामने आया हूँ कि अगर आपको अगर आपको अपने टाइम को थोड़ा और बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना है तो आप मेरे साथ जुड़िए। मैं एक ग्रुप क्रिएट करूंगा इधर ऑन द व्हाट्सएप और ऑन द टेलीग्राम और ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म, जहां से आप मेरे को कांटेक्ट कर सको। और हम लोग क्या करेंगे कि ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे या अल्टरनेट बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा या 2 से 2 घंटा, ये एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। बट सबसे पहले आप क्या करोगे, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे और मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा। हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे, चाहे आप कोई सी भी कॉलेज में हो बांग्लादेश में, कंडीशन क्या, आप बांग्लादेश में एटलीस्ट आपने एडमिशन लिया हो, ठीक है। तो आपने एडमिशन ले लिया है और आपको इतने महीने क्या करना है, कैसे पढ़ना है, मैं खुद आपको पूरी प्रोसेस के थ्रू गाइड करूंगा। दूसरी चीज क्या क्या कैसे गाइडेंस होगा, देखो पहली बात, यहाँ पे आने के लिए आपको बंगाली सीखनी जरूरी है। यहाँ आने के बाद भी सीख जाओगे, ऑब्वियस सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बंगाली अगर पहले से आएगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। तो सबसे पहली बात, एक मेरा कलीग होगा, मेरा बैचमेट होगा जो आपको बंगाली सिखाएगा, वो खुद बंगाल से है, ठीक है। तो बंगाली का वो आपका जुगाड़ हम लोग अच्छे से कर देंगे, आपको बेसिक बंगाली सारी की सारी सिखा देंगे। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे वाइवास कैसे होते हैं, एग्जाम्स कैसे होते हैं, आपको कैसे पढ़ाई करनी है। और दूसरी बात, कैसे पढ़ाई करनी है, सिर्फ ज्ञान नहीं दिया जाएगा, आपको क्या पढ़ना है, कंटेंट और पढ़ाई भी करवाई जाएगी। जो आपके टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ आते पढ़ाए जाएंगे, जैसे फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी आपको, बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर आपको 2 यूनिट्स कवर कराई जाएंगी, 1 is थोरेक्स एंड द सुपीरियर एक्सट्रीमिटी, ये 2 यूनिट्स आपको कराई जाएंगी। उसके अलावा फिजियोलॉजी के अंदर जनरल फिजियोलॉजी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और बायोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिक बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स और फूड एंड न्यूट्रिशन, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आपके शुरू के जो यहाँ पे 5 महीने रहेंगे ना, लगभग 5-6 महीने, उनका जुगाड़ है ये सारा का सारा। अगर ये आप इन 5-6 महीने घर पे बैठ के थोड़ा थोड़ा ध्यान देके पढ़ भी लोगे ना, तो यहाँ पे आने के बाद में एकदम आप शाइन करोगे क्लास में और आप एकदम अच्छी तरीके से आप एक ऑनर्स वाले स्टूडेंट बन जाओगे। आप ऑनर्स मिलता है ना यहाँ पे, तो आप उस लेवल के स्टूडेंट बन जाओगे अगर आप ध्यान दोगे अच्छे से, तो ठीक है। तो इसी के साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या हुई, आप मेरे को करोगे मैसेज, ठीक है।
हाय भैया मेरा ये कॉलेज है, अगर आप पेरेंट हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आप मेरे को बोलोगे कि भैया ये मेरा कॉलेज है और मैंने यहाँ एडमिशन लिया, ये मेरा नाम है, और मैं आपको उसी के साथ एक ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, और जब हमारा मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे तो हम लोग क्लासेस कर देंगे शुरू। और क्लासेस शुरू करने की डेट क्या होगी, क्लासेस कब से स्टार्ट करेंगे, हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर देंगे अपनी 1 दिसंबर से, ठीक है, 1 दिसंबर से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और क्लासेस अल्टरनेट डेज पे होंगी, वन डे क्लास वन डे नॉट क्लास, ठीक है, एक दिन क्लास होगी एक दिन नहीं होगी, ठीक है। सब्जेक्ट कवर करे जाएंगे बंगाली, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड एनाटॉमी, ठीक है। और उसके अलावा आपको ये देखना है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, क्या मैं कैपेबल हूँ, एम आई एबल टू टीच, तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको ऐसे लगता है कि यार मेरा पढ़ाया हुआ या बोला हुआ आपको समझ आएगा या मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो आप करिएगा। देयर आर मेनी सैंपल वीडियोस व्हिच आई हैव मेड ऑन द यूट्यूब, यू कैन चेक आउट माई चैनल। दूसरी चीज, अगर किसी चीज़ को फ्री रख दिया जाए तो ऑब्वियसली बात है ना कोई ध्यान देगा उस पर, ना उतनी सीरियसनेस आएगी वहाँ पे, तो हम लोग एक मिनिमल कॉस्ट इसका रखने वाले हैं। कॉस्ट क्या होगा पर स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो आप मेरे को कॉलेज वगैरह का नाम बताओ, और आपके लिए ये रहेगा मात्र 500 रुपये पर महीना, 500 पर मंथ, इट विल बी द कॉस्ट ऑफ दिस कोर्स। सो 500 इज नॉट अ बिग अमाउंट, अगर आप बाहर खाना खाने जाते हो, मूवी देखने जाते हो, ये ऐसे ही फटाफट ऐसे उड़ जाता है। और अगर आप पेरेंट हो, मेरी बात सुन रहे हो, तो ये बात याद रखना कि 500 इज अ वेरी लिटिल थिंग, ठीक है। फीस क्यों रखी है हमने, क्योंकि देखो पहली बात तो ये कि हम भी इसमें अपना एफर्ट डाल रहे हैं, हम भी इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली बात है वी आर स्टूडेंट्स एंड वी वॉन्ट आवर पॉकेट मनी, सो वी वॉन्ट समथिंग बैक, राइट। कोई बड़ी बात नहीं, इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तो समाज सेवा कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ समाज सेवा, मुझे भी अपनी पॉकेट मनी चाहिए। सो इट इज़ मिनिमल कॉस्ट 500, जिसमें ना मेरा लॉस होगा ना आपका लॉस होगा। आपका लॉस क्या है, 500 छोटा सा अमाउंट है, जहाँ आप अपने बच्चे पे, जहाँ आप खुद पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 50-60 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पर ये जो छोटा सा 500 रुपये का अमाउंट है पर मंथ, इट इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई, अगर आपको डाउट्स हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल।